हाँ जी, आप लोग आपके पेज का कंटेंट को 100% ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, सर तो पागल वागल नहीं हो गया? जो सर पहले बताता था कि ग्रुप पे शेयर नहीं कर सकते, वही सर आज बोल रहे हैं 100% पेज का कंटेंट को ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोग चाहो तो आपके पेज के कंटेंट को हर ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। वो कैसे, इसका तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और हर क्रिएटर के लिए बहुत ही बेनिफिटेड वीडियो होने वाला है, तो कि वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना, तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे जनों के मन में दिन के शुरू से लेकर रात तक जो भी क्रिएटर होते हैं उन लोगों के मन में जो चलता है वो है हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स ऑन फेसबुक पेज, हाउ टू ग्रो फेसबुक लाइक्स, हाउ टू प्रोमोट फेसबुक फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउ टू ग्रो फेसबुक ऑन 2020। ये जो चार पाँच ठो क्वेश्चन है वो हर एक क्रिएटर के मन में सुबह से रह के रात तक चलता रहता है। मगर इसको कैसे करना है, जब सर ने बोल ही दिया है कि ग्रुप पे हम लोग हमारे पेज का कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते, और कल सर ने एक वीडियो डाला जहाँ पे ये भी बोल दिया है कि हम एज ए क्रिएटर हमारे पेज के जो पोस्ट है उसको बूस्ट नहीं कर सकते, प्रमोशन, पेड प्रमोशन नहीं कर सकते। अब तो सर ने चारों ओर से हमको बंद कर दिया है पेज का ग्रो करना। अगर हम एज ए न्यू क्रिएटर जब फर्स्ट दिन पेज बनाते हैं तो उस पर जीरो फॉलोअर, जीरो लाइक रहता है, तो वो पेज कैसे ग्रो होगा, लोगों तक पहुंचेगा कैसे अगर शेयर ही नहीं करेंगे? तो आज के इस वीडियो पे आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ 100% आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। तरीका मैं बताऊंगा कैसे, अगर फॉलो किया तो 2020 पे ज़रूर आपका पेज का फॉलोअर ढेर सारा हो जाएगा, पेज का जो प्रमोशन है फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको ढेर सारा मिल जाएगा। सिर्फ तरीका को फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक समझ के देख के, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले आपको आपका जो पेज है, जिस पेज का कंटेंट को आप लोग शेयर करोगे, उस पेज का कोई भी रिलेटेड बंदा, जैसे कि पेज ओनर, पेज ओनर वही होता है जो पेज का एडमिन होता है, या फिर आप एडमिन और ओनर अलग अलग भी बना सकते हो, मगर पेज से ताल्लुक रखते हैं, पेज पे इन्वॉल्व है एडमिन, ओनर, मॉडरेटर, एनालिस्ट और कस्टम, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट रोल पे रहते हैं एक पेज पे, वो लोग अभी भी फेसबुक पेज का कोई भी कंटेंट को अपने कोई भी ग्रुप में जाके शेयर नहीं कर सकते। रूल पहले का जैसा ही है, वो रूल चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। बाद में ये नहीं बताना सर ने बोला ग्रुप में शेयर करो तो हमने शेयर करना शुरू कर दिया, पहले समझ लो, इसीलिए बोला। तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों, जो ग्रुप में शेयर करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा वो है आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट का ईमेल, फ़ोन नंबर नया होना चाहिए, ऐसा नहीं जिससे आपने पहले प्रोफाइल या पेज क्रिएट कर सकते हो, मतलब कर चुके हो, जिस अकाउंट को यूज़ करके, जिस फ़ोन नंबर अकाउंट को यूज़ करके, जिस ईमेल आईडी अकाउंट को यूज़ करके, उससे आपको कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान पे रखना। फ्रेश अकाउंट बनाना है फ्रेश ईमेल आईडी और फ्रेश फ़ोन नंबर से। उसके बाद फ्रेश इंटरनेट और फ्रेश आपको न्यू डिवाइस यूज़ करना है। इंटरनेट फ्रेश का मतलब है जिस इंटरनेट को यूज़ करके आप आपके पेज को यूज़ चलाते हो, आपके ओरिजिनल अकाउंट को चलाते हो, उस इंटरनेट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उसी के साथ जिस मोबाइल फ़ोन से या फिर जिस लैपटॉप डेस्कटॉप से आप आपके ओरिजिनल अकाउंट और जो पेज है उसको रन करते हो, ओपन करते हो हमेशा, उस डिवाइस से आपको ओपन नहीं करना है जो आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे। नया अकाउंट को बिल्कुल नए डिवाइस से ओपन करना है। आजकल घर में हर किसी का 2-3 फ़ोन तो होता ही है, मम्मी का होता है, पापा का होता है, भाई का, बहन का होता है, तो किसी का भी यूज़ कर सकते हो, मगर अपना डिवाइस मत यूज़ करना। इंटरनेट भी अपना मत यूज़ करना, हॉटस्पॉट लगा के भी यूज़ मत करना, वाईफाई पे भी यूज़ मत करना, सिर्फ जो दूसरा डिवाइस होगा उसका एक फ्रेश इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये बात ध्यान पे रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो करना है वही नया जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे उस अकाउंट से
आपके पेज से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स है उस ग्रुप्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है और ऐड हो जाना है। फिर से दोहरा देता हूँ, आपके पेज से मतलब आपका जो भी पेज को आप ग्रुप पे शेयर करना चाहते हो उस पेज से रिलेटेड कैटेगरी में। ऐसा नहीं कि आपका जो पेज है वो फूड से रिलेटेड है और आप ट्रेवल से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा ग्रुप पे जाके कोई भी कंटेंट शेयर नहीं करना है। अगर करोगे तो वो स्पैम होगा। तो आपको अगर आपका फूड से रिलेटेड पेज है तो फूड से रिलेटेड ग्रुप्स पे आपको नया अकाउंट से ऐड होना है, उसको रिक्वेस्ट भेजना है, बड़े बड़े ग्रुप्स चूज करना। ऐसा नहीं 100-200 वाला ग्रुप जिस पे 100-200 का मेंबर है वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लिया। लाखों में ग्रुप्स पे मेंबर रहता है, पब्लिक ग्रुप रहता है, उन ग्रुपों में आप ऐड हो जाना। उसके बाद जैसे ही आप आपके पेज से रिलेटेड न्यू अकाउंट के द्वारा ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, उसके बाद उस अकाउंट से मतलब नया जो अकाउंट है उस अकाउंट से नया डिवाइस से नया इंटरनेट से आप दिन में 10 ग्रुप में शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इससे जो आप लोगों का दुख हो रहा था कि सर ने बोल दिया ग्रुप पे शेयर नहीं कर सकते, ये भी सल्यूशन हो जाएगा। और उसी के साथ आप लोगों का जो टेंशन हो रहा था सर ने बोल दिया बूस्टिंग भी नहीं कर सकते तो हम पेज को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे फॉलोअर ज़्यादा करेंगे, कैसे हमारे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ऑर्गेनिकली होगा काम, कोई भी पेनल्टी नहीं आएगा आपके पेज पे, कोई भी पेनल्टी नहीं आएगा, ना तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आएगा, ना तो आर्टिफिशियल एक्टिविटी आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का वायोलेशन आएगा। अगर जो ट्रिक्स आज मैंने बताया इस ट्रिक्स को अगर आपने 100% मान के ग्रुप पे शेयर किया तो आपका पेज जेन्युइन 2020 पे ग्रो होगा। और जो आप लोग सोचते हो कि 10,000 का जो फॉलोअर है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए वो भी आप कर सकते हो, मगर याद रखना नए अकाउंट होना चाहिए, नए डिवाइस होना चाहिए, नया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसी के साथ आपके पेज के कैटेगरी से रिलेटेड ग्रुप में ही शेयर होना चाहिए, दिन में 10 बस। ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप ज्वाइन करता गया कुछ भी और उस पर डालता गया, वो होगा तो आप भले नए अकाउंट से किए हो, भले नया डिवाइस यूज़ करके किए हो, भले आप नया इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर लिए, मगर फिर भी आप प्लेटफॉर्म को स्पैम कर रहे हो और फेसबुक एल्गोरिदम को वो पता चलने पे हो सकता है आपका नया अकाउंट जो आप बनाए हो उसको भी डिजेबल कर दे, उसका भी स्पैम लिस्ट पे डाल दे और उल्टा आपके पेज को पेनल्टी मिल जाए इस वजह से, अगर फेसबुक एल्गोरिदम ने पकड़ लिया। तो ये आज जो ट्रिप्स ट्रिक्स बताया है ये फेसबुक के कहीं पे बोला नहीं गया है, किसी ने बोला नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्रिएटर को एक पेज को ग्रो करने में कितना दिक्कत होता है, कितना मेहनत करने के बाद एक पेज ग्रो होता है। और सर अगर ये बोल देगा कि ग्रुप पे भी शेयर नहीं कर सकते हो, बूस्ट भी नहीं कर सकते हो, प्रमोट भी पेज नहीं कर सकते हो, तो ग्रो करे तो करे कैसे, ट्रैफिक पेज पे लाए कैसे। तो आज जो ट्रिक्स ट्रिप्स बताया है ये अगर आप लोग यूज़ करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है 2020 में आपका पेज बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, वो भी कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली। और इसके वजह से ना तो आपको इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का पेनल्टी मिलेगा, ना तो आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का पेनल्टी मिलेगा, पेज पे कोई भी वायोलेशन नहीं होगा। सिर्फ मैंने जो जो चीज़ बोला है वैसे ही आपको करना है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अगर वीडियो सच में पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।